नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद अभिनीत, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़को छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़को छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केस तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदरराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़को छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़को छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदरराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद अभिनीत, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़को छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़को छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद अभिनीत, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना, ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर एक देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर दो तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर तीन तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर चार सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर छः ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना, ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना, ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदरराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना, ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदरराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद अभिनीत, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड 1 प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आंखें मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंद्रराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद अभिनीत, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीता नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आंखें मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदरराज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर, एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना, करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाबचंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पिंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केश तो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया मेरी जेब में मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। दुनिया मेरी जेब में 1989 में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत राजेश रोशन ने दिया है। निर्देशक टीनू आनंद द्वारा लिखित इंदर राज आनंद द्वारा उत्पादित नरेश मल्होत्रा, बिट्टू आनंद, अभिनीत शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रंजीत। संगीत दिया है राजेश रोशन। रिलीज की तारीख 10 अगस्त 1979। देश इंडिया। भाषा हिंदी। भूखंड 1 प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र विशाल खन्ना। ऋषि कपूर का मानना है कि वह अपने भाई करण खन्ना, शशि कपूर एक व्यवसायी के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। विशाल की मुलाकात नीतू सिंह से होती है, जो अमीर विदुर गुलाबचंद की इकलौती बेटी है। गुलाबचंद करण से मिलता है और दोनों विशाल और नीता की शादी को अंतिम रूप देते हैं। तब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब गुलाबचंद की मौत हो जाती है, जबकि करण एक लॉरी से टकरा जाता है। और अपने दोनों पैरों को खो देता है। विशाल अब अपंग करण की देखभाल करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है जब पुलिस इंस्पेक्टर यादव उसे सूचित करता है कि करण अभी एक व्यापारी नहीं था, बल्कि अमर सर्कस में एक ट्रेपेज कलाकार था और एक साहसी डकैती और गुलाबचंद की हत्या का भी संदिग्ध है। ढालना करण खन्ना के रूप में शशि कपूर, विशाल खन्ना के रूप में ऋषि कपूर, नीतू सिंह के रूप में नीता, रावत के रूप में रंजीत, दीवान चंद के रूप में आगा, गुलाब चंदी के रूप में राज मेहरा, पिंचू कपूर ठाकुरदास के रूप में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में नादिरा, भास्कर के रूप में पेंटल, ललिता पवार पर्यवेक्षक बालिका छात्रावास के रूप में, जगदीश राज पर्यवेक्षक लड़कों छात्रावास के रूप में, केशतो मुखर्जी चौकीदार के रूप में लड़कों छात्रावास, सुधीर इंस्पेक्टर यादव के रूप में, हेलेन बार डांसर के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 देख मौसम कह रहा है बहुत में आके मेरी, इस गाने के लता मंगेशकर और अमित कुमार गायकार रहे हैं। गाना नंबर 2 तेरे जैसा भाई सबको मिले हैप्पी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 3 तेरे जैसा भाई सबको मिले दुखद, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी रहे हैं। गाना नंबर 4 सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कुछ सोच हाँ सोचो कुछ बोलूँ हाँ बोलो, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 6 ये भी दिल मांगता, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।